हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोग के। दोस्तों आज हम लोग आ चुके हैं बैजनाथ पपरौल रेलवे स्टेशन एक्सप्लोर करने, और दोस्तों हमारे साथ कुछ दोस्त आए हुए हैं। ये देख सकते हैं सूर्या भाई, इनको तो आप सभी जानते होंगे, पिछले ब्लॉग में थे। अभिषेक भाई, अभिषेक अवस्थी, साथ में आदित्य भाई जिनको फ़ोन आ गया, और आर्यन भाई। हेलो भाई। दोस्तों आज हम लोग आपके सामने एक्सप्लोर करेंगे रेलवे स्टेशन, और आप लोगों को बताएंगे कि कोरोना के टाइम पे यहाँ क्या क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों ये है आदित्य भाई, हमारे साथ में जो है टोटल हम पांच बंदे हैं। आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे बैजनाथ पपरौला स्टेशन। आपको सामने डीजल लोको शेड दिखाता हूँ और फिर आगे चलते हैं। दोस्तों ये जो आप ट्रैक सामने देख रहे हैं, ये जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन से जब अगर कोई लोको लाना होता है उसके लिए। अभी दोस्तों ये है सामने जो हमारा डीजल लोको शेड है, अभी आप लोग देख सकते हैं 233 एंड 232 दो लोग यहाँ पे डीजल खड़े हुए हैं, और एक के लिए खाली स्लॉट है। हम चाहेंगे वहाँ तो मतलब लोको खड़ा सकते हैं, लोको के अंदर दोस्तों जा नहीं सकते। मैंने एक वीडियो पहले बनाई है लोको के अंदर की, आपको दिखाई थी, उसको देख लेना दोबारा से, हो सकता है आप लोगों को शायद देखी भी होगी, नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे देता हूँ। बाकी दोस्तों आप सभी देख सकते हैं अभी यहाँ पे चेकिंग हो रही है लोको की, डीजल लोको है यहाँ पे। इधर दोस्तों लोको खड़ाते हैं जब नीचे से कोई साफ़ सफाई करनी होती है तो उसके लिए। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे लोको को धोते हैं, ये आप देख सकते हैं लोकोमोटिव है, ZM4A लोकोमोटिव है, आप देख सकते हैं सभी के सभी। ये हमारे सूर्या भाई अपने काम पे लगे हुए।
एडमिशन लेनी है। दोस्तों वैसे कुछ दिनों पहले यहाँ पर स्टीम लोको भी था और मतलब स्पेशल टूरिस्ट के लिए चलाया जाता था, और उस स्टीम लोको में दोस्तों कोयला डालते थे और उससे हेरिटेज वगैरह चलाते थे। लेकिन अभी कोरोना के टाइम उसको पठानकोट लेके चले गए हैं ताकि मेंटेनेंस हो जाए उसकी, और साथ में काफ़ी हद तक मतलब मेंटेनेंस वगैरह के साथ, ताकि बाद में इन फ्यूचर कोई टूरिस्ट स्पेशल चले तो उसमें अच्छे से चलाई जा सके। वरना दोस्तों अगर आज वो यहाँ होता तो हम आपको उसको भी दिखा देते अंदर से, फिलहाल नहीं दिखा सकते। तो दोस्तों अभी आप लोगों को हमने लोको शेड घुमाया, अभी पटरी आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं वो पीछे आप देख सकते हैं वो है पठानकोट से आने वाली लाइन, और इस साइड को बैजनाथ पपरोला और जोगिंदर नगर को आगे लाइन जाएगी। और दोस्तों वो सामने मेरी सिग्नल है, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर, वहाँ ऊपर है वो, आप खंभा देख, ये है नहीं दिखेगा आपको फिर भी, चलो उधर है इधर। अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्तों स्टेशन की तरफ, और सामने मेरे को धौलाधार की पहाड़ियाँ दिख रही है, मैं आपको दिखाता हूँ रिवर्स करके कैमरा, और स्टेशन में जाके आपको दिखाते हैं बोल्ट और कुछ और। वैसे तो दोस्तों प्लान था यहाँ एक ऑफिसर की ट्रेन आनी थी जीएम की, पर कुछ प्रॉब्लम हो गया ऐसा कि वो आज नहीं आई, वो कल आएगी 26 को, तो कल तो अब पॉसिबल नहीं होगा, तो सोचा आप लोगों के लिए स्टेशन घुमा देते हैं, हो सकता है इसमें आप लोग व्यू दे दो, लाइक कर ले दोस्तों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों हमारे साथ एक नया मेंबर ज्वाइन कर चुका है, हमारे साथ ब्लॉग बनाते हुए घूम रहे हैं। तो आपका नाम कैसे है, आप क्या चाहते हैं? कोरोना कोरोना भाई, आई एम सॉरी बाबू भाई, नहीं देख मत भाई, डर लगता है। चढ़ जा ऊपर, कौन पूछ रहा है, जा चढ़ निकल चल। दोस्तों आप लोग सोचेंगे यहाँ तो कोई सड़क नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी फाटक क्यों है? दोस्तों अंदर रेल यार्ड होता था, यानी माई ट्रेनें अंदर खड़ती थी जाके, तो उसके लिए फाटक लगाया कि इसको बंद रखा जाए, यहाँ से जैसे वहाँ से मतलब गाड़ियाँ डब्बे लेके आते थे उधर अंदर, वो जहाँ आप देख सकते कुत्ता जा रहा है एक, उस साइड को अंदर खड़ा देते हैं, तो ये रेल यार्ड का फाटक था। दोस्तों ये आगे आप जो देख सकते हैं सामने, ये आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये तो आप सभी जो जानते होंगे जंक्शन, यानी पटरी जहाँ मुड़ती है वहाँ होता है, और ये देख सकते हैं सिनेमैटिक शॉट कुछ ऐसे लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये था हम लोगों का स्टेशन का व्लॉग, हम लोगों ने आज आपको स्टेशन घुमाया बैजनाथ पपरोला। यहाँ से दोस्तों मेजर ट्रेन्स पठानकोट के लिए जाती हैं, जोगिंद्रनगर के लिए भी जाती है, ये वन ऑफ द मेन स्टेशन है,
कैसी लगी दोस्तों वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वैसे तो हमारा प्लान कुछ और था, कुछ कवरिंग करने का था ट्रेन का, लेकिन वो नहीं आई तो क्या कर सकते, अब किस्मत ख़राब है। कोई बात नहीं दोस्तों, मिलते हैं आगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों सामने एक सिनेमैटिक छोटा सा, जो मेरे सामने एक पुल आ रहा है उसका। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।